वेलकम टू ईपीएस एकेडमी। ईपीएस एकेडमी प्रोवाइड करता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज, स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रॉपर कैरियर गाइडेंस। ईपीएस एकेडमी टुडेज टॉपिक लेथ चक। लेथ चक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं इसको विस्तार से। फोर्जा चक नाम से स्पष्ट है, फोर्जा अर्थात चक में चार जबड़े होते हैं, ऐसा चक जिसमें चार जबड़े हैं, इसे स्वतंत्र चक भी कहा जाता है क्योंकि ये इंडिविजुअल अलग अलग चक क्या होते हैं, अलग अलग खुलते हैं। अब इनके द्वारा जो जॉ पकड़ा जाता है उसकी जॉ पकड़ने की एक्यूरेसी 0.001 इंच या 0.02 मिलीमीटर सटीकता के साथ ये जॉब को होल्ड करता है। आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एक फोर्जा चक दिखाया गया है जिसमें चार जबड़े हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। साथ ही यहाँ पे चक्की दिखाई गई है और ये एलन बोल्ट दिखाया गया है। अब फेस पे क्या होता है, ये देखिए सर्कुलर लाइंस होती हैं जो अंदर से बाहर की तरफ क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। इन्हीं लाइंस के माध्यम से आप इन जबड़ों को क्या करते हैं, सेटअप करते हैं और जॉब को फिक्स करते हैं इन लाइंस के माध्यम से ही। फोर्जा चक में आप बड़े से बड़े जॉब को बांध सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो जबड़े होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, छोटे जॉब के लिए जबड़ों का मुख अंदर की तरफ और बड़े जॉब के लिए जो स्टेप्स बने होते हैं उनको बाहर की तरफ होते हैं। अब ये जो जबड़े होते हैं, इन जबड़ों के माध्यम से स्क्वायर स्क्रू आपको क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इसके माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं फिगर में, देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेथ मशीन में जॉब क्या होता है, बांधा गया है। ये देखिए फिगर में बड़ा डायमीटर है और इसमें क्या किया गया है, पहले इसकी रफिंग की गई, फिर फिनिशिंग की गई है, फिर इसके बाद स्टेप टर्निंग, साथ में यहाँ पे ड्रिल एंड रिंग। इस प्रकार से अब जॉब को जब सेकंड बार, पहली बार बांधने के बाद जब जॉब को सेकंड टाइम बांधते हैं तो जॉब को बांधते समय डायल टेस्ट इंडिकेटर का भी प्रयोग किया जाता है जिससे जॉब एक्यूरेट साइज में आप बांध सके। फोर्जा चक के पार्ट्स, अब फोर्जा चक में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो आइए देखिए देखते हैं। पहला है बैक प्लेट। अब चक के पीछे एक प्लेट लगी होती है उसे बोलते हैं बैक प्लेट। ये किससे बना होता है, आयरन या स्टील से। इसके बाद आता है बॉडी, बॉडी जिसमें सारे पार्ट्स अटैच्ड होते हैं वो कास्ट आयरन, कास्ट स्टील से बनाकर उसके फेस को क्या कर दिया जाता है, हार्डनेट कर दिया जाता है। इसी प्रकार जबड़े, जो जबड़े होते हैं जो कि जॉब को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, उनके माध्यम से पकड़ा जाता है, वो हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं और साथ ही हार्डनेट एंड टेम्पन कर जाता है, कठोरीकरण किया जाता है जिससे क्या होता है वो घिसे नहीं। साथ में आता है स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू सॉफ्ट। अब स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू सॉफ्ट लगा होता है जो कि जबड़ों के माध्यम से क्या होता है, अटैच रहता है। जब हम स्क्रू सॉफ्ट को घुमाते हैं चक्की के माध्यम से तो आपका जबड़ा क्या होता है, ऊपर अंदर या बाहर निकलता है। ये किससे बना होता है, हाई कार्बन स्टील से बनाकर इसको हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है। यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं जो भी फोर्जा चक के पार्ट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे चार जबड़े दिखाई दे रहे हैं, साथ में ये चक का क्या है, फेस है, ऊपर ये जबड़े क्या हुआ है आपको दिख रहे हैं, साइड में जो चक की बॉडी है, इस बॉडी में क्या होते हैं, ये जबड़े इस तरह से फिट होते हैं और ये अंदर बाहर क्या करते हैं, मोशन करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन या लीनियर मोशन कह लेते हैं। ये लगा होता है स्क्रू सॉफ्ट। इसमें क्या होता है, एक चौकोर क्या बनी होते हैं, खांचा बना होता है और जो खांचा चक्की में भी वही बना होता है और इसको आप इस चक्की को इसको सॉफ्ट में डाल करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, जब घुमाते हैं तो क्या होता है, जबड़े अंदर और बाहर मूवमेंट करते हैं। और ये देखिए साथ में एलन बोल्ट्स हैं, इन एलन बोल्ट्स के माध्यम से चक को किसमें, लेथ स्पिंडल में बांधा जाता है। अब बात करते हैं थ्रीजा चक, नाम से स्पष्ट है, थ्रीजा यानी कि ऐसा चक जिसमें तीन जबड़े हों, ठीक है। अब इस जग को क्या, चक को क्या बोलते हैं, सेल्फ सेंटरिंग चक, अर्थात ये जो जबड़े होते हैं ये एक साथ अंदर और एक साथ बाहर मूव करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ सेंटरिंग चक। इसमें केवल और केवल गोलाकार जॉब या फिर हेक्सागोनल जॉब को ही इसमें बांध सकते हैं।
फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि फोर जाचक में आपने देखा था वहां पे चार जबड़े थे और यहाँ पे तीन जबड़े हैं, बाकी सारी इसमें स्कूसॉप बॉडी फेस एलन की चक ये सारी चीजें सेम ही है। इंपॉर्टेंट नोट्स में थ्री जा जो चक होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि सेल्फ सेंटरिंग होता है, यानी कि एक साथ सेंटर की ओर और एक साथ सेंटर से बाहर की ओर मूव करता है। इसकी जो पकड़ने की क्षमता होती है 450 मिलीमीटर, बॉडी का डायमीटर कितना होता है 500 मिलीमीटर, साथ ही जो बॉडी की चौड़ाई होती है वो 125 मिलीमीटर होती है। अब पार्ट्स ऑफ थ्री जा चक के पार्ट्स की बात करें तो तीन पार्ट्स जैसे बैक प्लेट बॉडी और जा सेम फोर जा चक की तरह ही होते हैं, और दो पार्ट्स जैसे क्राउन व्हील एंड पिनियन ये अलग होते हैं। अब क्राउन व्हील अलॉय स्टील से बना होता है, साथ ही इसको हार्डनेड एंड टेम्पर्ड किया जाता है। इसी प्रकार पिनियन हाई कार्बन स्टील से बनाकर हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं सबसे ऊपर बॉडी है, बॉडी के नीचे देखिए सॉलिड जा यानी जबड़े, उसके नीचे क्या लगा हुआ है स्क्रॉल प्लेट, ठीक है। अब ये स्क्रॉल प्लेट क्या होती है, पूरी फिक्स रहती है, इसमें क्या होते हैं आपके खांचे बने होते हैं। इन स्क्रॉल प्लेट्स में ये पिनियन क्या होता है मैस होता है, इस तरह से ये बियरिंग लगी होती है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं जबड़ों का बेस, ठीक है, इस प्रकार। और ये सबसे नीचे ये जो कवर लिखा है ये होती है बैक प्लेट, इसी प्लेट में ये पिनियन और स्क्रॉल प्लेट, ठीक है, ये सारी चीजें आपस में अटैच्ड रहती हैं। जब हम इन पिनियन में क्या होते हैं खांचे बने होते हैं, ये देखिए चौकोर खांचा बना होता है, जैसे पिनियन किसी भी पिनियन को घुमाएंगे तो एक साथ ये क्या होता है अंदर और बाहर होता है। कंपैरिजन बिटवीन थ्री जाचक एंड फोर जाचक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इससे बहुत सारे सवाल भी बनते हैं। तो थ्री जाचक जैसा कि हमने बताया कि थ्री जा यानी तीन जबड़े हैं, और ये जा यानी कि जो जबड़े होते हैं आपस में एक सर्कल क्या होता है 360 का होता है, तीन जबड़े हैं थ्री से डिवाइड करने पर क्या होता है 120 आता है, यानी कि इन जबड़ों एक जबड़े से दूसरे जबड़े के बीच की जो डिस्टेंस होगी दूरी होगी वो क्या होगी 120 डिग्री की होगी। वहीं फोरजा चक की बात करें तो 360 डिग्री क्या होता है परिधि सर्कल होता है, उसमें फोर का डिवाइड करने पर 90 डिग्री आता है, यानी कि जो जबड़े होते हैं आपस में परिधि सर्कल या परिधि डिस्टेंस में 90 डिग्री पे होते हैं। अब थ्री जा चक में क्या होता है, हमने जैसे आपको पहले भी बताया है केवल गोलाकार, ठीक है, और हेक्सागोनल जो शेप में जॉब होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या फिर सिलेंड्रिकल हो, दोनों प्रकार के जॉब आप यहाँ पे बांध सकते हैं। लेकिन फोर जा चक में इरेगुलर शेप्स और किसी भी शेप्स का चाहे वो कोई भी आकार का हो जॉब, उसको आप आसानी से बांध सकते हैं। अब थ्री जा चक में क्या होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल जॉब होते हैं, यानी कि इंटरनल अंदरूनी अगर जबड़े और बाहरी जबड़े, अंदरूनी जबड़ों का प्रयोग जो क्या होता है अंदर से खोखला होता है, खोखला गोलाकार जॉब, और एक्सटर्नल जॉब जो सॉलिड गोलाकार जॉब होते हैं उनको पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फोर जाचक में ऐसा कुछ नहीं होता, फोर जाचक में एक ही जबड़े होते हैं, बस उसको आप क्या करते हैं रिवर्सिबल यानी कि विपरीत कर देते हैं। थ्री जाचक में जो सेटिंग होती है बहुत ही आसान होती है और फोर जाचक में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन थ्री जाचक में क्या होता है जो ग्रिपिंग पावर होती है यानी पकड़ने की क्षमता होती है वो क्या होती है बहुत कम होती है, उसमें जो आप सही से नहीं पकड़ सकते हैं, जॉब निकलने की भी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि निकल जाता है, बट फोर जाचक की अपेक्षा ग्रिपिंग पावर कम होती है। फिर डेप्थ ऑफ कट कंपेरेटिवली लेस, यानी कि जो थ्री जाचक है आप उसमें अगर डेप्थ ऑफ कट फेसिंग के बाद डेप्थ ऑफ कट देना चाहते हैं तो कम देना पड़ेगा आपको, ज्यादा कट उसमें आप नहीं दे सकते, लेकिन फोर जाचक में आप थ्री जाचक की अपेक्षा ज्यादा कट दे सकते हैं। इसी प्रकार थ्री जाचक में बड़े जॉब को आप नहीं टर्न कर सकते, जबकि फोर जाचक में आसानी से बड़े जॉबों को टर्न किया सकता है। और थ्री जाचक में क्या होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स यानी परिधि जो ब्रेथ सर्कल्स होते हैं वो प्रोवाइड नहीं होते, जबकि फोर जाचक में क्या होता है जॉब जो आपने जॉब बांधा है उसको सेट करने के लिए फेस के ऊपर परिधि सर्कल यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल प्रोवाइड होते हैं, जो कि अंदर की तरफ से बाहर की ओर बढ़ते जाते हैं, इनको मैच करते हुए आप जॉब को सेट करते हैं।
ठीक है, जबकि क्या होता है, एक्यूरेसी डिक्रीजेस एज द चेक गेट्स बर्न आउट, यानी कि इसमें जो चेक की है 3 जा चेक में एक्यूरेसी कम होती है, लेकिन 4 जा चेक में एक्यूरेसी क्या होती है, बर्न आउट नहीं होती, मतलब एक्यूरेसी कम नहीं होती है। दोस्तों आई होप आपको काफी सारे इंफॉर्मेशन मिली होगी। इस तरह की इंफॉर्मेशन को और डिटेल से जानने के लिए गेट इट ऑन गूगल प्ले, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और डाउनलोड ईपीएस अकेडमी ऐप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ईपीएस अकेडमी का ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, जहां भी आपके सोशल मीडिया है, फ्रेंड फैमिली, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में कौन सी वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।